हेलो बच्चों, देखो क्लास ट्वेल्थ, जैसा कि आपको क्लास में हम पढ़ा रहे थे फर्स्ट, तो आज हमने सोचा सेकंड की कुछ एक्सरसाइज करा दें जो आपको पेपर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट, व्हाट हैपेंड या फिर कन्वर्जन करा देते हैं। कैसे प्राप्त करोगे, कैसे प्राप्त करोगे, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। फर्स्ट सेकंड पेपर का है, ठीक। पहला लिखिए सभी लोग, कैसे प्राप्त करोगे केवल रासायनिक समीकरण, ठीक है। लिखो पहला नंबर, कह रहा है एथिल एल्कोहल से क्लोरोफॉर्म। पहला कह रहा है एथिल एल्कोहल से क्लोरोफॉर्म, एथिल एल्कोहल से क्लोरोफॉर्म। अब आपसे कह रहा है एथिल एल्कोहल से क्लोरोफॉर्म, तो सबसे पहले आपको एक तो हेलोफॉर्म अभिक्रिया याद होनी चाहिए, वही पूरी लिखना है। वैसे ना लिख पाओ तो सबसे अच्छा, एल्कोहल का सूत्र C2H5OH प्लस क्लोरीन और NaOH के साथ क्रिया करोगे CHCl3 क्लोरोफॉर्म प्लस SCOONe प्लस 5NaCl प्लस 5H2O 6NaOH 4Cl2। बस हो गई C2H5OH 4Cl2 प्लस 6NaOH गिव CHCl3 क्लोरोफॉर्म सोडियम फॉर्मेट, सोडियम क्लोराइड और जल। एक तो एथिल अल्कोहल से क्लोरोफॉर्म भी हो गई, इसी क्रिया को हेलोफॉर्म क्रिया भी कहती है, हेलोफॉर्म क्रिया भी कहती है। एक पंथ दो काज, एक तो आपका कन्वर्जन भी पूरा हो गया, एक व्हाट हैपेंड भी पूछ सकता कभी पेपर में कि एल्कोहल क्लोरीन और कास्टिक सोडा के साथ प्रभावित करती है, यही बनाना है आपको, दूसरा नहीं, ठीक। समझ में आ गया तो नोट कर लो। दूसरा नंबर लिखिएगा, सेकंड नंबर कह रहा है एसीटामाइड से मेथिल एल्कोहल, एसीटामाइड से मेथिल एल्कोहल। तो आपको मालूम है एसीटामाइड का सूत्र क्या होता है, एसीटामाइड का सूत्र CH3CONH2। एसीटामाइड से एल्कोहल कह रहा है, मेथिल एल्कोहल, तो एसीटामाइड से लिख दें, एसीटामाइड से मेथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल, एसीटामाइड से मेथिल एल्कोहल। एसीटामाइड का सूत्र होता है CH3CONH2 प्लस Br2 से क्रिया कर देंगे, इससे Br2 से बन जाएगा एसीटाब्रोमाइड CH3CONHBr, HBr बचा यहाँ लिख दिया, एक नाम इसका नाम हो गया एसीटामाइड ब्रोमोमाइड प्लस KOH से क्रिया कर देंगे, KOH एल्कोहल से क्रिया कर देंगे तो बन जाएगा CH3NC बना दो, CH3NCO एथिल आइसोसाइनेट NCO CH3NCO HBr बचा सीधा केवल HBr, इसका नाम हो गया मेथिल आइसोसाइनेट, मेथिल आइसोसाइनेट बन गया। इसको KOH के साथ फिर गर्म कर दिया, इसके साथ KOH के साथ हीट कर दिया, KOH के साथ ठीक 2KOH लगा दिया तो बन जाएगा CH3NH2 मेथिल एमीन, CH3NH2 तो के दो बचे और एक सी बचा, ओ तीन बचा, बच जाएगा K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट, वो लिखना नहीं। एक मेथिल एमीन का नाइट्रेशन करेंगे, नाइट्रीकरण, तो बन जाएगा CH3OH मेथिल अल्कोहल, CH3OH
एन टू प्लस एच टू ओ बचा, लिख दो नीचे अगर लिखना चाहो एन टू प्लस एच टू ओ। फिर से समझ लो, एसीटामाइड से मेथिल अल्कोहल, एसीटामाइड को ब्रोमीन के साथ क्रिया करी तो मेथिल एसीटामाइड, मेथिल एसीटे ब्रोमाइड बन गया। इसका नाम है मेथिल एसीटे ब्रोमाइड, मेथिल एसीटे ब्रोमाइड। के ओ एच एच में बाकी सेम आगे पता है, मेथिल आइसोसाइनेट, मेथिलेमीन और मेथिल अल्कोहल। नोट करते चलो, पेपर में बहुत पूछे जाते, इम्पोर्टेंट है। अगला नंबर लिख लो, बोले ये बहुत पेपर में पूछा जाता है, मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल इम्पोर्टेंट है, मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल। ठीक है, मेथिल अल्कोहल का सबसे पहले क्रिया करेंगे हाइड्रोजन आयोडाइड, किसी से भी कर दो, मेथिल अल्कोहल का हाइड्रोजन आयोडाइड से क्रिया करेंगे। ठीक है, तो बन जाएगा मेथिल आयोडाइड CH3I, वाटर बचा लिख दिया H2O, मेथिल आयोडाइड। मेथिल आयोडाइड को अगर KOS से करोगे तो KCN से कर दो तो मेथिल साइनाइड हो जाएगा, KCN से कर दो पोटेशियम साइनाइड से तो CH3CN KI बचा, यहाँ देखो CH3CN निकल गया, मेथिल साइनाइड CH3CN और KI पोटेशियम। मेथिल साइनाइड का फिर अपचयन करना है, मेथिल साइनाइड का अपचयन करेंगे तब एथिलेमीन बनेगा, अपचयन S से करेंगे एथिलेमीन C2H5NH2, C कितने दो, C2 N8 H5 2 7 H3 है तो चार लगा दो, 4 3 7 एथिलेमीन बन गया। एथिलेमीन के बाद इसका नाइट्रस अम्ल से क्रिया करेंगे, इससे HNO2 से एथिलेमीन को HNO2 के प्रेजेंट में बन जाएगा C2H5OH निकल गया, N2 प्लस जल बचा, N2 प्लस H2O, नोट कर लीजिए N2 प्लस H2O। नेक्स्ट अगला है आगे, मेथिल अल्कोहल से एसिटिक अम्ल, मेथिल अल्कोहल से एसिटिक अम्ल, मेथिल अल्कोहल से, मेथिल अल्कोहल से मेथिल अल्कोहल से एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। देखो मेथिल अल्कोहल का सूत्र बताओ, अबे पढ़ाया इसी चैप्टर में CH3OH, मेथिल अल्कोहल से बनाना क्या है एसिटिक अम्ल, हमने PCl3 ले लिया या PCl5 ले लिया, सुनो तो बन जाएगा CH3CN, CH3Cl बन गया। ठीक है, अब चाहो तो H3PO3 यहाँ निकल गया तो इसके लिए 3 यहाँ लगेंगे तो फिर 3 यहाँ लगेंगे, तो CL3CL3CH3 3 CH3, H3 H3 S3 O3, ये हो गया आर्थोफास्फोरस अम्ल। मेथिल साइनाइड को मेथिल क्लोराइड को पोटेशियम साइनाइड से क्रिया करोगे CH3CN मेथिल साइनाइड बन गया, CH3CN KCl बच गया। जब मेथिल साइनाइड बन गया हमें पहुंचना कहाँ एसिटिक अम्ल में, तो मेथिल साइनाइड का हम लोग जल अपघटन कर देंगे, 2H2O ले लेंगे, क्या ले लेंगे 2H2O ले लेंगे, तो बन जाएगा CH3COOH, CH3COOH। तो H 4 में से 1 निकला, 3 H बचे, 1 N, चाहो तो
NH3 अमोनिया बचा लास्ट में लिख सकते हो ना, लास्ट में लिखो तो यहाँ लिख सकते हो माइनस NH3, क्योंकि लास्ट में सीधे आपसे क्या कह रहा है, केवल एस्टिक अम्ल बनवा रहा है, इसलिए अमोनिया वहां लिख के यहाँ लिख सकते हो। ठीक है, आ रहा है सुन लो पांचवा नंबर, इन्हीं से रिलेटेड आपको पेपर में आएंगे बहुत। अगला है, ठहरा है एल्कोहल से एथिलीन, एल्कोहल से एथिलीन कह रहा डायरेक्ट सीधा है, एल्कोहल से एथिलीन, एल्कोहल से एथिलीन, एल्कोहल का सूत्र बताओ क्या होता है, एल्कोहल का C2H5OH को सांद्र यानी कंसंट्रेशन H2SO4 की प्रेजेंस में 170 डिग्री सेल्सियस पे हीट कर रहा है, मतलब 160 से 170 हीट कर रहा है, डायरेक्ट आपका C2H4 एथिलीन बना रहा है, C2H4 प्लस क्या बचा, H2O जल बचा, वाटर लिक्विड जल प्लस H2O जल। छठवां नंबर आगे, एथिल एल्कोहल से मेथिल एल्कोहल, अभी बनाया था एथिल मेथिल एल्कोहल से एथिल एल्कोहल, अब बनाना है एथिल एल्कोहल से एथिल एल्कोहल से मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल से मेथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल का सूत्र C2H5OH, C2H5OH एथिल एल्कोहल का ऑक्सीकरण कर देंगे, सबसे पहले एथिल एल्कोहल का क्या कर देंगे, ऑक्सीकरण कर देंगे, जब ऑक्सीकरण करेंगे तो Na2Cr2O7 प्लस H2SO4 की प्रेजेंस है, तो बन जाएगा CH3CHOH, C2H6H4O2, एक O निकल गया तो H2O बचा, वो लिखना नहीं, फिर हमें एस्टेल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करना है किसी की प्रेजेंस में, सोडियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक अम्ल, सीधे लिख दिया एस्टिक अम्ल CH3CH, जब एस्टिक अम्ल बन गया तो एस्टिक अम्ल को हमने सोडा लाया और दिया प्रेजेंस, यानी कि NaOH और CaO की प्रेजेंस में हिट कर दिया एस्टिक अम्ल को, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड, तो ये आपका हाई स्कूल में पढ़ा होगा, एस्टिक अम्ल को सोडा लाइन के साथ जब क्रिया करते हैं मेथेन बनती है, CH4 मेथेन बन गई, अब वो न बचाओ आगे CH4 मेथेन बन गई, CO2 चाहो तो यहाँ लिख सकते हो माइनस, अब मेथेन से हमें बनाना क्या है, मेथिल एल्कोहल, बस मेथेन का ऑक्सीकरण कर दो कॉपर की प्रेजेंस में, कॉपर की प्रेजेंस में तो बन जाएगा CH3OH, CH3OH, देखो CH4H4 हो, नोट कर लो एथिल एल्कोहल से मेथिल एल्कोहल, ओके 15 में से मेथिल एल्कोहल, एसिटिक अम्ल से मेथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल, एसिटिक अम्ल से मेथिल एल्कोहल, ठीक है, तो एसिटिक अम्ल का फार्मूला होता है CH3OH, CH3COH, एसिटिक अम्ल को NaOH सोडा लाइम और CaO, हाई स्कूल में पढ़ी होगी एसिटिक अम्ल को सोडा लाइम और कैल्शियम की उपस्थिति में क्रिया करने में मेथेन बनता, तो यहाँ पर पता वो डायरेक्ट हो जाता है, जिससे क्रिया करते वो देखो इधर प्रेजेंट में आ जाता है, एसिटिक अम्ल को सोडा लाइम और कैल्शियम ऑक्साइड की प्रेजेंट हीट करेंगे बन गया मेथेन, CH4 बन गया मेथेन बन गया, चाहो तो मेथेन को मैं पीछे बताया था हमने कापर की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करके डायरेक्ट मेथिल एल्कोहल, वहां से न समझ में आए
तो मेथेन का क्लोरीन से क्रिया कर दो या आयोडीन से, तो बन जाएगा CH3Cl, CH3Cl HCl बचा, बना मेथिल अल्कोहल। फिर मेथिल क्लोराइड को हीट करना है NaOH के साथ, मेथिल क्लोराइड को NaOH के साथ फिर हीट करना है, तो बन जाएगा CH3OH, CH3OH मेथिल अल्कोहल प्लस क्या बचा NaCl, आगे चाहो लिख दो और चाहो तो NaCl नीचे लिख दो। एक और देख लो आठवीं, आठ बता दो, एक अगली लिख लो, बहुत सरल अगली बता दो। एसिटिलीन से बेंजीन, एसिटिलीन से बेंजीन, एसिटिलीन से बेंजीन, एसिटिलीन का सूत्र होता है C2H2, गिब्स यहाँ पर लिख देंगे रक्त तप्त नली, यानी रक्त तप्त नली में प्रवाहित करते हैं। बेंजीन का सूत्र होता है C6H6, क्या सीधे लिखो यहाँ कितने रखेंगे 3, C3 × 6, H3 × 6, बस नोट कर लो, इतने आप कंप्लीट कर ले, जो ना है नेक्स्ट दिन अगले दिन वीडियो में बताएंगे, ठीक है। बीच बीच में आपको ये भी प्रैक्टिस करते चलो, एक्सरसाइज कम से कम 6-7 नंबर नोट करते।